हेलो एंड वेलकम टू ऑल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जल परिवहन पर। तो जल परिवहन और बंदरगाह पर बात करेंगे। बंदरगाह तो मैं आपको ऐसे चुटकियां बजाते हुए याद करवा दूंगा कि 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे जो बंदरगाह हैं और उनसे जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको सारे याद करवा दूंगा मैप के सहारे। तो उसके पहले मैं आपको कुछ डाटा बताता हूँ। वो डाटा आपको याद रखना है क्योंकि वो पेपर में कई बार पूछा गया है। पेपर की दृष्टि से ये वीडियो बनाया गया है ना, ना तो उससे बाहर ना तो उससे ज़्यादा डीपली। ठीक है, तो सुनते हैं क्या हुआ कि जल परिवहन दो प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक जल परिवहन और एक होता है सामुद्रिक जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन किसी देश के अंदर हो रहा होता है और जो सामुद्रिक जल परिवहन है वो देश के बाहर होगा। सामुद्रिक जल परिवहन को हम लोग जहाज रानी परिवहन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भैया? तो जहाज रानी परिवहन के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं आपको आपसे बताऊं कि अगर प्राचीन इतिहास की बात की जाए तो चोल और सातवाहन वंशों के अनुसार वो सामुद्रिक जल परिवहन ज़्यादा मात्रा में किया जाता था, लेकिन वो प्राचीन इतिहास की बात है। लेकिन अगर मैं आधुनिक इतिहास की बात बताऊं तो आधुनिक रूप से सामुद्रिक परिवहन की स्थापना या आधुनिक रूप से सामुद्रिक परिवहन या जहाजरानी परिवहन की शुरुआत तब हुई जब 1854 में एक कंपनी स्थापित की गई। उस कंपनी का नाम था ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी। ठीक है ना, तो अगर पूछा जाए आपसे कि भारत में आधुनिक है ना, भारत में आधुनिक रूप से सामुद्रिक परिवहन की शुरुआत कब हुई, तो 1854 में हुई एक कंपनी के साथ। उस कंपनी का नाम है ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी। बात समझ आ रही है? जब हमारे इस देश को आज़ादी मिल गई तो पेपर में क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के जहाजी बेड़ों में कुल कितने जहाज थे। तो भारतीय जहाज के बेड़ों में कुल 59 जहाज उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के पास थे। कितने? 59। और इनकी जो टोटल माल ढोने की क्षमता थी वो थी 1.92 लाख टन। 1.92 लाख टन है ना उस समय। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में भारतीय जहाजों के बेड़े में कुल कितने जहाज हैं, तो लगभग 1153 है ना। अभी का मैं आटा बता रहा हूँ आपको कि 1153 जहाज हैं। और इन 1153 जहाजों को लेकर विश्व में बात की जाए तो हमारा स्थान 16वां है, जबकि एशिया में बात की जाए तो एशिया में भारतीय जहाजों की जो संख्या के हिसाब से एशिया में भारत का स्थान है दूसरा। ठीक है ना, तो एशिया में भारत का स्थान दूसरा है और विश्व में 16वां स्थान है। इतने में कोई समस्या नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भारत में कुल कितनी जहाज कंपनियां वर्तमान में मौजूद हैं। तो भारत में लगभग 150 कंपनियां वर्तमान में मौजूद हैं, लेकिन इन 150 में से 148 है ना प्राइवेट सेक्टर की थी, मतलब निजी क्षेत्र की थी, और 2 सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर की थी। तो जो 2 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं वो देख लीजिए कौन कौन सी हैं। पहली है मुगल लाइंस निगम लिमिटेड कंपनी और दूसरी है भारतीय जहाजरानी परिवहन निगम लिमिटेड कंपनी। भारतीय जहाज परिवहन निगम लिमिटेड कंपनी की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 में हुई थी और आगे चलकर 1993 में हमने इसको प्राइवेट सेक्टर से प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करा दिया। फरवरी 2000 में इस भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड कंपनी को हमने मिनी रत्न का दर्जा दे दिया और अगस्त 2009 में इसको हमने नवरत्नों में शामिल कर लिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अगर बात की जाए तो भारत के जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उनके विकास पर, रखरखाव पर, उन पर कंप्लीट रूप से जो नियंत्रित रखने का काम करता है वो होता है IWAI, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण, इसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में है, जबकि केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम की स्थापना 1987 में हुई, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान का मुख्यालय पटना में है, जो भी हाल ही में खोला गया है, और राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान का मुख्यालय गोवा में है।
अगर हम लोग बात की जाए कि अगर जलमार्गों की बात की जाए, कंप्लीट जलमार्ग भारत के अंदर की बात की जाए, तो उनकी लंबाई होगी 14,500 किलोमीटर, ठीक है ना। अगर जलमार्गों की लंबाई की बात की जाए तो उसकी पूरी लंबाई होगी 14,500 किलोमीटर। यदि हम बात करें कि सबसे बड़ी नहर बताइए जो नौकागम में हो, नौकागम मतलब कि जहां पर नाव जो है वो आसानी से जा सकती है और आयात निर्यात हो सकता है, तो सबसे बड़ी नौगम्य नहर है बर्किंघम नहर, जो आंध्र प्रदेश की है, है ना। कौन सी नहर है भैया? बर्किंघम नहर, जो किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। अभी हाल ही में, अभी अगर अभी हाल की बात बताई जाए, तो अभी 106 नेशनल वाटरवे अलाउ किए गए हैं नए बनाने के लिए, और जबकि 6 है ना पहले से ही मौजूद हैं। जो पहला नेशनल वाटरवे है वो गंगा, भागीरथी और हुगली नदी पर बनाया गया है। तो जो पहला नेशनल वाटरवे है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक आता है। दूसरा जो वाटरवे है वो सदिया से धुबरी, असम ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, सदिया से धुबरी तक आता है। जो तीसरा है वो कोट्टापुरम से, कहाँ से है? कोट्टापुरम से कोल्लम तक है। जो चौथा है वो काकीनाड़ा से पुदुचेरी या पांडिचेरी तक है। जो पांचवा है या छठा जो भी है वो तलचर से धमरा है, पांचवा, ठीक है, तलचर से धमरा है। और जो छठा है वो सिलचर से, है ना, वो सिलचर से लखीमपुर है। लखीमपुर ये करीमगंज वाला है जो असम में है, ये लखीमपुर खीरी वाला मत जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हाल ही में 6 नेशनल वाटरवे हमारे पास हैं और 106 को नए मान्यता मिली है कि 106 आगे बनाए जाएं। इतनी बात क्लियर है। तो इन सब को पढ़ने के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे किस पर? अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं बंदरगाहों पर। मैं आपको बंदरगाह बहुत आसानी से याद करवा दूंगा, लेकिन इसके पहले मैंने आपको जितना लंबा चौड़ा भाषण दिया है इसको मैं डीपली वन बाय वन लिख लिख कर आपको समझाता हूँ, जिससे आपके दिमाग में कहानी बसी रहे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करने वाले थे जल परिवहन और बंदरगाह पर। तो जो हमारा टॉपिक है वो है जल परिवहन प्लस बंदरगाह पोर्ट, ठीक है। तो बात करते हैं, जल परिवहन हमारे यहाँ दो प्रकार का है। एक होगा आंतरिक जल परिवहन, आंतरिक जलमार्ग, है ना, जो देश के अंदर होगा, देश के अंदर होगा। और एक होगा सामुद्रिक जलमार्ग, एक होगा सामुद्रिक जलमार्ग जो देश के बाहर तक भी कार्य करेगा, देश के बाहर तक भी कार्य करेगा, ठीक है। इस सामुद्रिक जलमार्ग को हम लोग क्या कहते हैं? जहाज रानी परिवहन कहते हैं, जहाज रानी परिवहन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछेगा, अगर प्राचीन की बात बताई जाए, अगर प्राचीन की बात बताई जाए तो कुषाण वंश का एक राजा था कनिष्क, उसने तो रेशम मार्ग पर कब्जा कर लिया था, सिल्क रूट पर, है ना। और सबसे प्रचलित जो थे वो दो याद रखने हैं, एक चोल वंश का और एक सातवाहन वंश का। तो ये हो गया प्राचीन इतिहास में जो समुद्री मार्ग के लिए फेमस वंश थे, ठीक है ना। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए आधुनिक आधुनिक सामुद्रिक आधुनिक सामुद्रिक परिवहन की शुरुआत, आधुनिक सामुद्रिक परिवहन की शुरुआत कब से हुई? जब एक नई कंपनी बनाई गई थी 1854 में, और 1854 में कंपनी कौन सी बनी थी? ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी, ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी, है ना। इसकी स्थापना के बाद ही भारत में सामुद्रिक परिवहन शुरुआत जोरों शोरों से हुई। आप क्वेश्चन बताते हैं क्या कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, है ना, क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय जहाज के बेड़े में कुल कितने जहाज मौजूद थे? तो आंसर है 59 जहाज मौजूद थे, है ना, 59। इन 59 में इनकी क्षमता कितनी थी? इनकी क्षमता थी माल ढोने की 1.92 लाख प्रति टन, 1.92 लाख टन, ये इसकी क्या होगी भैया? ये इसकी क्षमता हो गई। अगर वर्तमान की बात बताई जाए तो वर्तमान में भारतीय जहाज रानी की बेड़े में कुल कितने जहाज हैं? तो वर्तमान में जहाजों की संख्या है 1153 जहाज है। अगर इनकी संख्या अगर विश्व में बताई जाए तो विश्व में हमारा भारत का स्थान है 16वां। अगर एशिया की बात बताई जाए तो एशिया में भारत का स्थान है दूसरा,
ठीक है ना। तो अब आपको बताना है कि बताइए सबसे ज्यादा समुद्री जहाज में विश्व में प्रथम स्थान किसका है और एशिया में प्रथम स्थान किसका है, इसका आंसर आप देंगे, ठीक है ना। तो भारतीय जहाज रानी में अगर जहाजों की संख्या बताई जाए तो 1153 है। विश्व में कौन सा स्थान आएगा भारत का, 16वां, और एशिया में कौन सा आएगा, दूसरा। इतने कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्तमान में भारत में कितनी भारतीय जहाज कंपनियां हैं। तो भारतीय जहाजों कंपनियों की संख्या है कितनी, लगभग 150, जिसमें 148 क्या है प्राइवेट सेक्टर की है और 2 क्या है पब्लिक सेक्टर की है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूं जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीमे धीमे आराम आराम से समझते चलेंगे। घर पे पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, घर पे पढ़ने की कोशिश करेंगे और परेशान होंगे, सारा डाटा आपको एक साथ मिल नहीं पाएगा। आप हम ही से पढ़िए, बस धीमे धीमे लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, क्या अभी तक भारत में कुल कितनी जहाज कंपनियां हैं। तो भारतीय जहाज कंपनियों की संख्या वर्तमान में है लगभग 150, कितनी है भैया 150, जिसमें से 148 जो है वो क्या है निजी क्षेत्र की हैं, 148 जो है वो किसकी क्षेत्र की हैं प्राइवेट सेक्टर की हैं, और 2 क्या हो गया पब्लिक सेक्टर, मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, है ना। जिनमें से आपको 2 याद रखनी है, एक है मुगल लाइंस, एक क्या है मुगल लाइंस लिमिटेड कंपनी, मुगल लाइंस लिमिटेड कंपनी, और एक हमारे पास है भारतीय जहाज रानी परिवहन, है ना, लिमिटेड कंपनी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, आप क्वेश्चन ये है भारतीय जहाजरानी परिवहन निगम लिमिटेड कंपनी, अब क्वेश्चन ये भारतीय जहाजरानी परिवहन निगम लिमिटेड कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1961 में, स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1961 में। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, अब क्वेश्चन ये बनेगा 1961 में अगर इसकी स्थापना हुई थी तो इसको हमने प्राइवेट लिमिटेड से, इसको हमने प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में, प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कब बदला, तो सितंबर 1993 में बदला था, सितंबर 1993 में बदला था। फिर सन फरवरी 2000 में हमने इसको मिनी रत्न का दर्जा दिया, हमने इसको मिनी रत्न का दर्जा दिया, और अगस्त 2009 में हमने इसको नवरत्न में शामिल किया, ठीक है ना, नवरत्न का भी दर्जा दिया, कब, अगस्त 2009 को। बात समझ आ रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना शिपयार्ड कौन सा है, अगर आपसे आप पूछा जाए कि सबसे पुराना शिपयार्ड कौन सा है तो आप बताएंगे मझगांव, क्या बताएंगे, मझगांव डाक लिमिटेड, मझगांव डाक लिमिटेड, ठीक है ना। तो ये सबसे पुराना शिपयार्ड है, इतने में कोई समस्या नहीं। अगर इतने में कोई समस्या नहीं है तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या कि भारत के कितने राज्य हैं जिनको समुद्री सीमा छूती है, भारत में कुल कितने राज्य हैं जिनको समुद्री सीमा छूती है, तो आंसर है 9। यदि मैं केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लूँ तो आंसर है 13, मतलब 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। अगर मैं 9 राज्यों की समुद्री सीमा की लंबाई देख लूँ, अगर मैं 9 राज्यों की समुद्री सीमा की लंबाई देखूँ तो होगा 6100 किलोमीटर, लेकिन अगर मैं केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लूँ तो 1416 उसमें जोड़ देंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा 7516। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ क्या कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, है ना, अभी जिनको मान्यता दी गई है उनकी संख्या है 6, मान्यता प्राप्त है किसकी संख्या इतनी है 6, है ना। तो राष्ट्रीय जलमार्ग का जो रख रखाव है, जो रख रखाव है ना, जो नियंत्रण है, जो विकास है ना, तो इनका सब रख रखाव नियंत्रण और विकास किसके माध्यम से होता है, तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय अंतरदेशीय जल परिवहन प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1986 में हुई थी, और इसका मुख्यालय हमने आपको क्या बताया था, उत्तर प्रदेश में, कहाँ, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको। अब मैं अगर इसको रफ करूँ, इसी के आगे आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि जो नियंत्रण रख रखाव है उसके लिए क्या है, भारतीय अंतर्देशीय है ना जल परिवहन
भारतीय अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण प्राधिकरण, तो इसका क्या होगा, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 27 अक्टूबर 1986 को। और इसका मुख्यालय कहाँ था, तो इसका मुख्यालय है, बताइए कहाँ पर है, तो आंसर है उत्तर प्रदेश में, कहाँ, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश में कहाँ, ग्रेटर नोएडा। आपको तीन पॉइंट और याद रखने पड़ेंगे यहाँ पर, क्या एक दूसरा पॉइंट याद रखना पड़ेगा, केंद्रीय अंतर्देशीय, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम है ना, इसका जो मुख्यालय है, निगम का मुख्यालय जो है, इसका आंसर है कोलकाता। एक और याद रखना पड़ेगा, जो अभी हाल में बनाया गया है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान है ना, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आंसर है पटना। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पटना। एक और क्या, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान, तो राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर है, गोवा। ठीक है ना, ये बात आपको चार याद ही रखनी पड़ेगी कि अगर आप पूछे इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा, केंद्रीय अंतर्देशीय, ये भारतीय अंतर्देशीय है, ये केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कोलकाता, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन जहाँ पे नौ जा सके संस्थान पटना, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान जहाँ पर नौ मतलब कि नौ चलाने की खेल प्रतियोगिता होती है, तो आंसर है गोवा। एक और याद रखेंगे क्या, कि अगर मैं जल मार्गों की बात बताऊं, जल मार्गों की लंबाई बताऊं भारत में, तो जल मार्गों की लंबाई होगी 14,500 किलोमीटर, 14,500 किलोमीटर। और अगर मैं नहर की बात बताऊं है ना, सबसे लंबी नौगम्य नहर लगभग ये 640 किलोमीटर लंबी है, और इस नहर का नाम है बकिंघम नहर। क्या नाम है भैया, बकिंघम नहर। और ये बकिंघम नहर कहाँ पर है, तो आंसर है आंध्र प्रदेश में है। तो बकिंघम नहर कहाँ पर भैया, इस बकिंघम नहर कहाँ पर है, तो आंसर है आंध्र प्रदेश में है। इतनी बात आपको समझ में आई, ना चाहते हुए भी आपको इतना याद रखना पड़ेगा, इतनी बात क्लियर है, अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो, बहुत धीमे धीमे पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर आपको क्रीड़ा संस्थान पूछे तो गोवा, नौवहन संस्थान पूछे तो पटना, जल परिवहन केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन मुख्यालय पूछे तो कोलकाता, इनलैंड वाटरवे पूछे यानी कि भारतीय अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण पूछे तो ग्रेटर नोएडा, अगर सबसे लंबी नौगम नहर, नौगम मतलब जहाँ से नौका जा सकती है, गम मतलब जाना, नौका मतलब नाव है ना, तो बकिंघम नहर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। जल मार्गों की लंबाई अगर पूछे तो टोटल अगर कितने किलोमीटर हम चल सकते हैं, जलमार्ग जा सकते हैं, तो आंसर है 14,500। और ये नहर की लंबाई कितनी है, 640 किलोमीटर। इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग धीमे धीमे बंदरगाह की ओर बढ़ रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। हिंदी बात समझ में आ गई आपको, रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन ये होगा कि अगर मुझे ये राष्ट्रीय जलमार्ग याद हो जाए तो शायद मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा। अगर मुझे जो 6 राष्ट्रीय जलमार्ग दिए हैं, अगर मुझे ये समझ में आ गया तो बस पेपर अच्छा होने की संभावना है। तो आपको बताना है नेशनल वाटरवे नंबर 1 है ना, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, तो इस पर बात करने वाले थे हम लोग, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है ना, यहीं पर देखेंगे। तो पहला कहाँ से कहाँ तक जाएगा, पहला जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया, पहला कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाएगा। दूसरा कहाँ से कहाँ जाएगा, दूसरा जाएगा सदिया से धुबरी तक। तीसरा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तीसरा आएगा कोट्टापुरम से कोल्लम तक। इसे कई पार्ट होंगे। फिर आगे काकीनाड़ा से पांडिचेरी यानी पुदुचेरी तक है ना। फिर क्या होगा, काकीनाड़ा से पुदुचेरी हो गया। फिर आएगा तलचर से धमरा तक। फिर आएगा लखीमपुर
लखीमपुर से गांजा जाएगा, गांजा मतलब कि करीमगंज, और फिर गांजा से ये जाएगा सिलचर तक, सिलचर तक, है ना। तो ये आपको एक ध्यान रखना है, क्या गंगा भागीरथी और हुगली नदी पर ये चलता है, ये असम में, असम में है, ब्रह्मपुत्र पर चलेगा, ठीक है ना। बस इतना अगर आपने याद कर लिया इतना आपके काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है, ये केरल वाला क्षेत्र है, ये असम वाला क्षेत्र है। कभी कभी आपसे पूछ लेता, बताइए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कब बना, 2 कब बना, 3 कब बना, तो कभी कभी ये क्वेश्चन फंसाता है। तो 1986, 1988, 1993, 2008, 2008, 2013 हो गया, न तेरा न मेरा, ठीक है ना। तो ये हमने 6 वाटरवेज हमने आपको यहाँ पर याद बता दिए हैं और यहाँ पर याद कर लिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किस पर, बंदरगाह पर, है ना।